आईटी सेक्टर के स्टॉक्स एक महीना पहले बोलने वाले ये चार की चौकड़ी गैंग लोगों से बिचवा देते दोस्तों। नए शेयर धारक जो हैं, नए जो न्यू बिगनर्स जो हैं, फ्रेश रिटेलर्स जो हैं, अगर आप सभी लोग जानते हैं जो हमको एक साल डेढ़ साल से जानते हैं और हमारा वीडियो लगातार देखते होंगे, जानते होंगे दोस्तों जो मैं बात बोल रहा हूँ। एक महीना पहले यही चार की चौकड़ी गैंग आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को बिचवा देना चाहते थे और हम बार बार आपको मना करते थे। ये चार की चौकड़ी सिर्फ और सिर्फ नए शेयरधारकों को बर्बाद करने के लिए, उनका नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं दोस्तों। चलिए, ये धोबी जो है आज का स्टॉक मार्केट देख के परेशान हो गया और उसको समझ में नहीं आया कि गधे के सिंह होते हैं या नहीं, इसलिए कि वो धोबी खुद नहीं पता कर पा रहा है कि गधे के सिंह होते हैं या नहीं होते हैं, कन्फ्यूज है। इसलिए बार बार वो अपने कमरे में, घरों में, गाड़ियों में, अपने पॉकेट में हेडफोन लगाकर रिकॉर्ड बना लिया है, चारों तरफ कानों में सुनते रहता है कि गधे के सिंह होते हैं या नहीं। आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त कैसे उछाल हो गया, एक महीना पहले तो ये कुछ और था। तो ये पीछे से पिछवाड़े से बोलने वाले, कौवे की तरह काँव काँव करने वाले आज सब फेल हो गए दोस्तों। और दूसरी बात, ये जो दिख रहा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, चार दिन पहले मैंने बोला था न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC एंड NIA, मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल एश्योरेंस इंडिया कंपनी, ये दोनों स्टॉक जो है दोस्तों आप इसको ऐसा वैसा नहीं समझना, इसीलिए लगातार इसको मैं देखते रहता हूँ। चलिए, कमाई ज़बरदस्त आईटी सेक्टर में, जैसे कि TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, जेंसार, जेनटेक, KPI टेक, सोनाटा शॉप, बिरला शॉप, डिक्सन टेक्नोलॉजी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए। इसलिए कि कल ही बता दिए दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका US मार्केट NASDAQ ज़बरदस्त खरीदारी थी, बैंकों में भी आज ज़बरदस्त रहेगी, हमने तो कल ही बता दिया दोस्तों। तो चलिए, कमाई कीजिए आप लोग आईटी सेक्टर में, हम भी थोड़ा अभी तो मैं होल्ड करके रखा हूँ और आज निफ्टी 50 बैंक और सेंसेक्स को तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा प्रण है। और ये वीडियो के बाद 9:30 का जो वीडियो अभी जस्ट आएगा उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में भारी बदलाव होने वाला है।